नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइजेस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग न्यू मीटर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी दोस्त हमें फॉलो करना चाहते हैं वो फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जब आपने कोई मकान लिया है या आपको कहीं भी या कोई शॉप लिया आपको मीटर लगवाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ झटपट टाइप करेंगे। झटपट करने के बाद आप देखते हैं कि apps.uppcl.org, ये UPPCL का झटपट कनेक्शन का वेबसाइट है। और दोस्तों, इस तरह का आपको एक न्यू विंडो जो है ओपन होगी और आपको यहाँ करना क्या है सिर्फ समझना है, क्योंकि अगर छोटी सी गलती करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे। आज की वीडियो में जो है हम सिर्फ इतना बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सारी चीज़ें और रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से जब आईडी लॉगिन होती है, जो पोर्टल लॉगिन होगा, इसमें आप देख रहे हैं नए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें और जिन कैंडिडेटों को और ज़्यादा समझना है तो आप इस लिंक से लॉगिन के लिए निर्देश दिए हुए हैं आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ फ्रिक्वेंसली क्वेश्चंस दे रखे हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बाकी आपको मेन चीज़ है ये नए पंजीकरण हेतु क्लिक करें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि स्किप करने पे जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। दोस्तों, हमने यहाँ नए पंजीकरण पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ सारी चीज़ें खुल कर के आ रही हैं। तो यहाँ दोस्तों, हम जो है कोई भी नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं, यहाँ हम नाम टाइप कर लेते हैं दोस्तों, कोई भी नाम कर लो। और यहाँ जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो भी और जो भी मंथ और ईयर जो भी डालना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। और ये सारी करने के बाद जैसे हम यहाँ कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद जो भी कोई अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है क्योंकि जहाँ स्टार कॉलम दिए हुए हैं ये कंपलसरी हैं, ये आपको भरना ही भरना है। इसके बाद जो भी आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर है तो दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप जो है ये रिकैप्चा दिया हुआ है, स्मॉल है तो स्मॉल डालेंगे और कैपिटल है तो कैपिटल डालेंगे। ये डालने के बाद दोस्तों, आप कोई यहाँ रजिस्टर पंजीकृत पे जो है रजिस्टर करना होगा और देन हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखा रहे हैं तो एग्जिट के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ दूसरा नंबर कोई भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दूसरा नंबर हम टाइप कर रहे हैं और देन हम यहाँ रजिस्टर कराएंगे, पंजीकृत कराएंगे। अब आप देख रहे हैं कि वैलिड कैप्चा के लिए दोबारा से कैप्चा डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम कैप्चा डाल चुके हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया है, देन अगेन रजिस्टर्ड करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज डन सक्सेसफुली एंड योर लॉगिन क्रेडेंशियल लॉगिन आईडी पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपने अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल जो है आपका लास्ट डिजिट यहाँ शो हो रहे हैं और उस पर एक बिजली कनेक्शन के आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको आ चुके हैं और ये आईडी पासवर्ड आपको मैसेज के द्वारा रिसीव हो जाएंगे। और उन मैसेज से आपको करना क्या है दोस्तों, हम यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ क्लोज करते हैं। आपको यहाँ लॉगिन आईडी डालनी होगी, जो पासवर्ड आया वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे और देन रिकैप्चा करेंगे और देन लॉगिन करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी होगी और आप इससे सीख ही गए होंगे कि कैसे आईडी पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं।
आईडी पासवर्ड जैसे ही मैसेज में आपको रिसीव होते हैं वो यहाँ डाल करके हम लॉगिन करते हैं। आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे किया जाता है आवेदन। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और कराते रहें, बस इन्हीं के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को अक्सर सब्सक्राइब कराते रहेंगे। धन्यवाद।